हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान का जो तीसरा अध्याय है, अमेरिकी वर्चस्व, इस लेसन के बारे में। इस लेसन को जानने के लिए 6 टॉपिक्स में इसे बांटा गया है, जिन टॉपिक्स के माध्यम से आप इस लेसन को समझ पाओगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें जानने के लिए, वो है नई विश्व व्यवस्था। इसमें हम जानेंगे कि 1990 के दौरान, 1990-91 जब सोवियत संघ का विघटन होने वाला था, जैसा कि हमने सेकंड लेसन में पढ़ा, तो इस दौरान इराक द्वारा कुवैत पर जो आक्रमण किया गया, उस वाकये के बारे में, उस घटना के बारे में, और यूएनओ द्वारा अमेरिका के साथ मिलकर किस प्रकार से कुवैत को आज़ाद करवाया गया, इसमें हम प्रथम खाड़ी युद्ध जानेंगे, कंप्यूटर वॉर जानेंगे, हम वीडियो गेम वॉर जानेंगे, इसके अलावा हम कह सकते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसके बारे में हमें जानना है, और अंततः ये जानेंगे कि ये जो टॉपिक है नई विश्व व्यवस्था, इसका नाम नई विश्व व्यवस्था क्यों पड़ा। जो सेकंड टॉपिक है आपका क्लिंटन का दौर, इसमें हम जानेंगे कि जॉर्ज बुश के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बने, तो उनके कार्यकाल के दौरान जो उनकी रणनीति थी वो क्या थी, घरेलू नीति को वो ज़्यादा अपना रहे थे या फिर वो बाकी प्रेसिडेंट की तरह हमेशा युद्ध के लिए तैयार थे। तो हम कुछ उदाहरण के माध्यम से हम जो है जानेंगे क्लिंटन के दौर के बारे में, फिर जानेंगे अमेरिका पर ट्विन टावर पर जो 9/11 हमला हुआ और उसके जवाब में इराक पर जो आक्रमण किया गया, उसके बारे में। इसके अलावा हमें जानना है अमेरिकी वर्चस्व, जिसमें हम जानेंगे कि अमेरिका सैन्य रूप से कितना ताकतवर है, आर्थिक रूप से कितना ताकतवर है, और सांस्कृतिक रूप से कितना ताकतवर है। इसके बाद हमें जानना है कि अमेरिकी वर्चस्व में कौन कौन से अवरोध हैं, अर्थात कि अमेरिका का जो वर्चस्व है उसमें कौन कौन सी बाधाएं हैं, संपूर्ण विश्व पे अमेरिका जो वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें किन किन बाधाओं का उसे सामना करने को मिल रहा है। इसके अलावा हम जानेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटे, और अंत में भारत और अमेरिका के संबंध के बारे में जानेंगे, हम आज के भारत के अमेरिका और संबंध के बारे में जानेंगे, और इस प्रकार से लेसन जो है आपका कंप्लीट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक नई विश्व व्यवस्था, जानते हैं इस लेसन का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका नई विश्व व्यवस्था, इसके बारे में। इसको जानने से पहले ये जानते हैं कि 1989-91 ये 3 वर्ष ऐसा था जिसमें ये तय हो गया कि सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। लेकिन इसी दौरान, ये शीत युद्ध का समय था, और इसी दौरान अमेरिका अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा था बाकी दुनिया पर, और उसे एक मौका मिला जिसके माध्यम से उसने ये साबित कर दिया कि वाकई में अमेरिका वर्चस्व बनाने लायक है, या वाकई में अमेरिका बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तो एक घटना के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 1989 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किया गया, और उनके जितने भी तेल खदानें थीं उनको अपने कब्जे में कर लिया गया। कुवैत ने यूएनओ से अपने बचाव की मांग की और कहा कि उन्हें इराक से आज़ादी दिलवाए, या इराक से उन्हें सुरक्षा दिलवाया जाए। यूएनओ के द्वारा पहली बार एक राजनीतिक, वैश्विक राजनीतिक फैसला लिया गया, और उन्होंने 36 देशों का एक सैन्य संगठन तैयार किया और इराक पर आक्रमण कर दिया कुवैत को आज़ाद करवाने के लिए। यूएनओ द्वारा वैश्विक स्तर पर पहली बार एक फैसला लिया गया था। इस फैसले को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया गया, इसीलिए आपका ये टॉपिक जो नई विश्व व्यवस्था है ये नाम इसीलिए पड़ा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश द्वारा इसे नई विश्व व्यवस्था कहा गया।
जब इस युद्ध को शुरू किया गया, जब इस युद्ध की शुरुआत हुई तो इराक के तानाशाह सदाम हुसैन द्वारा कहा गया कि ये 100 युद्धों का एक युद्ध होगा, लेकिन नतीजा ये निकला कि इराक को कुवैत को आजाद करना पड़ा और उसे पीछे हटना पड़ा। यूएनओ द्वारा अमेरिका के साथ मिलकर ये सैन्य अभियान चलाया गया जिसमें लगभग 75% सैनिक अमेरिकी थे, और इस सैनिक जत्थे को, इस युद्ध को लीड करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जनरल नॉर्मन स्वार्जकॉफ। इनके द्वारा अगुवाई की गई थी इस युद्ध की। इस युद्ध को कहा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और इस युद्ध को और भी अलग नामों से जाना जाता है, मैंने यहाँ लिख दिया है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, प्रथम खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर वॉर और वीडियो गेम वॉर, ये चारों नाम एक ही युद्ध से संबंधित है। यहाँ पर सवाल उठता है कि कंप्यूटर वॉर इसे क्यों कहा गया, तो पहली बार ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें कंप्यूटर जनित हथियारों का प्रयोग किया गया था, नई नई टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों का प्रयोग किया गया था, तकनीकी युक्त हथियारों का प्रयोग किया गया था, और इसे एक वीडियो गेम की तरह जो है शो किया गया, तो इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा गया और इसे कंप्यूटर वॉर भी कहा गया। आधुनिक हथियारों की वजह से इसे कंप्यूटर वॉर का दर्जा दिया गया या नाम दिया गया। तो इस प्रकार से ये नई विश्व व्यवस्था का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। जानते हैं इस लेसन का थर्ड टॉपिक, क्लिंटन का दौर, या हम कह सकते हैं समय, और इस टॉपिक में हम जानेंगे क्लिंटन के कार्यकाल के दौरान उनकी रणनीति क्या थी, उनकी घरेलू नीति किस प्रकार की थी, या उन्होंने किस प्रकार से राजनीतिक ढांचे को तैयार किया। तो जानते हैं 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और डेमोक्रेटिक पार्टी के ओर से खड़े बिल क्लिंटन, विलियम जेफरसन क्लिंटन ये जीतकर नए राष्ट्रपति बने। अमेरिका में दो पार्टी है, लेबर पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। लेबर पार्टी से संबंधित थे जॉर्ज बुश, जिनको हराकर बिल क्लिंटन अमेरिका के 1992 में नए राष्ट्रपति चुने गए बने। 1992 से 1996 ये जो 4 साल का उनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उन्होंने घरेलू नीतियों पर ध्यान दिया, किसी बाहरी नीतियों को अनदेखा करके उन्होंने अपने आंतरिक ढांचे को मजबूत किया। 1996 में दोबारा चुनाव हुआ और एक बार फिर से विलियम जेफरसन क्लिंटन अर्थात बिल क्लिंटन राष्ट्रपति चुनकर आए, लेकिन ये कार्यकाल कहीं ना कहीं इन्हें युद्ध की ओर खींच रहा था। ये इस कार्यकाल के दौरान इन्हें दो युद्धों का सामना करना पड़ा, दो सैन्य कार्रवाई इन्हें करनी पड़ी। हालांकि घरेलू नीतियों के साथ साथ ये हमेशा युद्ध के लिए भी तैयार थे। तो जानते हैं उन दो युद्धों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से युद्ध में संलग्न रहे। तो यूगोस्लाविया और केन्या, ये दो अलग अलग जगहों पर इन्होंने सैन्य कार्रवाई किए। अगर हम देखें यहाँ पर तो यूगोस्लाविया कोसोवा एक प्रांत है अमेरिका का, वहाँ पर अल्बानियाई लोगों का विरोध चल रहा था अपने राजनीतिक ढांचे को लेकर, और उस विरोध को, उस आंदोलन को अमेरिका के सैन्य संगठन नाटो द्वारा सुझाया गया, नाटो द्वारा बमबारी की गई, उस हमले में बीच बचाव किया गया और यूगोस्लाविया में होने वाले इस आंदोलन को रोका गया। केन्या में नैरोबी नाम जो है इनका कैपिटल है, और नैरोबी में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया, और इस हमले का हम कह सकते हैं कि जो जिम्मेवारी है वो अलकायदा नामक एक आतंकवादी संगठन ने लिया। इस आतंकवादी संगठन को खत्म करने के लिए अमेरिका द्वारा एक सैन्य अभियान चलाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इस ऑपरेशन के माध्यम से सूडान और अफगानिस्तान के ऐसे ऐसे ठिकानों पर हमला किया गया जहां आतंकी संगठन होने का दावा किया गया था, और इस प्रकार से अमेरिका में या अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपने दो कार्यकालों के दौरान, जिसमें एक कार्यकाल में उन्होंने घरेलू नीतियों पर ध्यान दिया और दूसरा कार्यकाल उनका युद्धों से जो है जुड़ा रहा, और हमेशा वो युद्ध के लिए तैयार रहे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्लिंटन के दौर में घरेलू नीतियों के साथ साथ युद्धों के लिए भी
बिल क्लिंटन हमेशा तैयार रहे। इस प्रकार से आपका ये सेकंड टॉपिक है क्लिंटन का द्वार, ये कंप्लीट होता है। ये जानते हैं इस लेसन का जो थर्ड टॉपिक है 9/11 हमला और इराक पर जो आक्रमण किया गया था वो 11 सितंबर 2001, एक ये ऐसा वर्ष था, ऐसा दिन था जिस दिन अमेरिका के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आक्रमण किया गया, वो एक आतंकी आक्रमण किया गया, वो आतंकी हमला किया गया वो अमेरिका पर, जिसे अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर आतंकी आक्रमण हुआ और इस आतंकी आक्रमण में 4 हवाई जहाजों को, लगभग 19 आतंकियों द्वारा 4 हवाई जहाजों को की चोरी की गई और उन चारों हवाई जहाजों को अमेरिका के अलग अलग जगह पर, मुख्य मुख्य जगहों पर स्ट्राइक किया गया। उन अगर हम जहाजों के स्ट्राइक की बात करें तो पहला और दूसरा जो जहाज था उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय था, उस पर स्ट्राइक किया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। जो तीसरा हवाई जहाज था वो Washington DC व्हाइट हाउस पर उसे स्ट्राइक किया गया, लेकिन इतनी ज्यादा क्षति व्हाइट हाउस में नहीं पहुंची। इसके बाद जो चौथा था उसे पेंटागन पर स्ट्राइक करना था उन्हें, जो सुरक्षा विभाग है वहां का, लेकिन यह पेंसिल्वेनिया के खेत में क्रैश हो गया, एक कृषि क्षेत्र में ये क्रैश हो गया और सुरक्षा विभाग जो था पेंटागन वो सही सलामत बच गया। तो इस प्रकार से 11 सितंबर 2001 को आतंकियों द्वारा हवाई जहाजों से अलग अलग जगहों पर अमेरिका के स्ट्राइक किया गया और एहसास दिलाया गया कि अमेरिका जो वर्चस्व की नींव शुरू करने की कोशिश कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे अवरोध हैं। जवाबी कार्यवाही में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया और उसको उसे नाम दिया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के माध्यम से उन्होंने आतंकवादी क्षेत्रों में या आतंकी क्षेत्रों में आक्रमण करना शुरू किया, इराक पर हमला शुरू किया। 2001 के बाद अमेरिका ने दोबारे आक्रमण किया इराक पर। 19 मार्च 2003 को इन्होंने 40 देशों का एक महाजोट बनाया बिना यूएनओ से पूछे, बिना यूएनओ की सहमति के 40 देशों का एक जोट बनाया जिसे कहा गया कॉलिशन ऑफ विलिंग्स। और इन 40 देशों के माध्यम से अमेरिका इराक पहुंचा और वहां पर उसने आक्रमण करना शुरू किया। हालांकि अमेरिका की ये दलील थी कि इराक में जो सामूहिक हथियार है उसको नष्ट करने के लिए वो जा रहा है, हालांकि अमेरिका ही जाने कि उसकी मंशा क्या रही होगी, लेकिन ऐसा दलील दिया गया अमेरिका के द्वारा कि चूंकि इराक में सामूहिक हथियार है तो उन्हें नष्ट करने के लिए हम जा रहे हैं। और उसे कहा गया, उस सैनिक कार्रवाई को कहा गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और सामूहिक हथियारों को जो नष्ट किया गया उसे नाम दिया गया वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं कि नंबर के क्वेश्चन में आएगा। एंड्यूरिंग फ्रीडम का क्या अर्थ है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था, कॉलिशन ऑफ विलिंग्स क्या था और वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन किसे कहा गया। तो इस प्रकार से अमेरिका द्वारा जो है इराक पर आक्रमण किया गया 9/11 हमले के जवाब में। ये आपका थर्ड टॉपिक कंप्लीट होता है। इस लेसन का जो चौथा टॉपिक है अमेरिकी वर्चस्व, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वर्चस्व का क्या अर्थ है। इसे हम हेगेमनी, इंग्लिश में हेगेमनी एक शब्द है जिसके माध्यम से इसे हम बताते हैं वर्चस्व का क्या अर्थ है। तो जब एक देश द्वारा किसी अन्य देश पर सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से या राजनीतिक रूप से, हर प्रकार से उसे अपने अधीन कर लिया जाए तो वर्चस्व कहलाता है। हम जानते हैं अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार हावी हुआ 1991 के बाद और
हम किस रूप में कह सकते हैं कि अमेरिका सैन्य रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है या आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है सांस्कृतिक रूप से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सैन्य रूप से अमेरिका किस प्रकार से शक्तिशाली है। तो अगर हम बात करें दुनिया के तीन सैन्य संगठनों की, सीएटो, सेंटो और नाटो, तो ये तीनों संगठन अमेरिकी संगठन है और इसमें कई सारे देशों का महाजोड़ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है और अपने तीन सैन्य संगठनों के माध्यम से अमेरिका दुनिया को, दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश हमेशा करता रहा है। ये सैन्य संगठन, इस सैन्य संगठन के पास इतने सैन्य बजट है जितना 12 देशों को मिलाकर अलग अलग देश अपने सैनिकों पर खर्च नहीं करता, उतना अकेला अमेरिका अपने सैनियों पर, अपने सैनिकों पर खर्च करता है। उन 12 देशों में जापान, उन 12 देशों में भारत, इसके अलावा रशिया, ये सभी प्रमुख प्रमुख देश शामिल हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अमेरिका अपना सैन्य बजट कितना बनाता होगा या अपने सैनिकों पर कितना ज़्यादा खर्च करता होगा। अकेला एक देश 12 देशों से टक्कर ले सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनुसंधान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका अव्वल है। अमेरिका में आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया जाता है या हमेशा नए नए जो है हम कह सकते हैं कि अस्त्रों और शस्त्रों का जो है खोज किया जाता रहता है। तो प्रौद्योगिकी के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके सैन्य व्यवस्था के 4 लक्ष्य हैं। सबसे पहले तो अवरोध, जैसा कि हम फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं, अवरोध का अर्थ होता है कि जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करे और उसे नष्ट करने की कोशिश करे लेकिन क्षति पहुंचाने के बाद भी उस देश के पास इतनी ताकत बच जाती है कि वो पहले देश को नष्ट कर सकता है। तो अमेरिका हमेशा अपने आप को अवरोध की स्थिति में बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को हमेशा इतना ताकतवर बनाने की कोशिश करता है कि यदि उस पर कोई आक्रमण करे और उसे क्षति भी पहुंचाए फिर भी उसके पास इतनी ताकत बच जाए कि वो सामने वाले को हरा सके। तो हमेशा अवरोध जो है इनका एक लक्ष्य रहा है, जीतना, युद्ध जीतना इनका लक्ष्य रहा है, दंड देना, अगर ना माने तो दंड के हिसाब से, जैसे कि इराक के साथ इन्होंने किया, तो दंड देना जो है इनके सैन्य व्यवस्था के लक्ष्य हैं। और कानून व्यवस्था का निर्माण करना, सैनिक आक्रमण द्वारा वहाँ पर अपने द्वारा बनाए गए कानून को स्थापित कर देना। तो इस प्रकार से सैन्य संगठन के रूप में देखें तो अमेरिका बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर आर्थिक रूप की बात करें तो अमेरिका जो है व्यापारिक रूप से बहुत ही ज़्यादा शक्ति संपन्न है क्योंकि यहाँ पे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थापित है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और IMF, विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इनकी भागीदारी बहुत है। इन्होंने आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा संपन्न किया हुआ है इन दोनों संगठनों को। इसके अलावा सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन स्लॉक्स के माध्यम से इन्होंने ऐसे ऐसे रास्तों की खोज की है समुद्र में जिसके माध्यम से एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार संभव हो सका है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब, हम जानकारियों से, दुनिया के अलग अलग तरह के जानकारियों से जो हम जुड़े हुए हैं वो इन्हीं के वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संपूर्ण विश्व में जो व्यापार होता है उस व्यापार का 15% व्यापार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका करता है। तो हम समझ सकते हैं कि वो आर्थिक रूप से कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा अगर देखें हम तो शिक्षा मास्टर्स MBA की अगर हम बात करें, MBA जैसे पाठ्यक्रम की अगर बात करें जो कहीं ना कहीं ट्रेड से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जो है व्यापारिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उनका इजाद भी अमेरिका द्वारा ही किया गया। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। सांस्कृतिक रूप से बात करें तो इनका पहनावा विश्व के अलग अलग देश भी अपनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मैकडोनाल्डीकरण की, तो जितने भी फास्ट फूड या फिर अलग अलग ऐसे भोजन पदार्थ हैं जो हम आज यूज़ करते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में अब शामिल हो गया है। बर्गर, पिज़्ज़ा या फिर जो है कोल्ड ड्रिंक्स में पेप्सी और ये सब जितने भी वस्तु हैं जिन्हें हम जितना उपभोग करते हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा ही दिया गया है। उन्होंने सांस्कृतिक रूप से हम पर जो उनकी संस्कृति है, उनके भोजन करने का तरीका है, उनकी संस्कृति है, उसको हम पर उन्होंने हम कह सकते हैं कि हम आज उनके अधीन हो गए हैं या उन्होंने हमें उसके माध्यम से कंट्रोल कर रखा है। तो इस प्रकार से सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक इन तीनों रूप में देखें तो अमेरिका काफ़ी
हम कह सकते हैं कि शक्तिशाली है और उनका वर्चस्व वाकई में संपूर्ण विश्व पर है। चलते हैं इस लेसन के पांचवें टॉपिक पर, अमेरिकी वर्चस्व में रुकावट और हम किस प्रकार से अमेरिका के वर्चस्व से निपट सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, उसके बारे में है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर चार टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अमेरिकी वर्चस्व में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रुकावट बन के आ रही है। तो सबसे पहले इनका अपना सैन्य संगठन, जो इनका सैन्य संगठन है नाटो, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है इनके वर्चस्व में, क्योंकि इस संगठन में अलग अलग देश भी हैं, एशिया से संबंधित देश भी हैं। तो जब भी कभी युद्ध का माहौल बनता है तो या फिर वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता है अमेरिका दूसरे देश पर, तो नाटो से संबंधित जो देश हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो किसी युद्ध में संलग्न हो और अपने संसाधनों की क्षति करें। तो इस वजह से उनका जो सैन्य संगठन है वो अमेरिकी वर्चस्व में रुकावट बन रहा है। इसके अलावा इनका अपना ही उन्मुक्त समाज, उनकी जो सोच है, इनकी जो संस्कृति है, वो इतनी ज़्यादा वृहद है, उदार है, कि कहीं ना कहीं वर्चस्वता में इनके अपने ही लोग जो है रुकावट बनकर आ रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो इनकी कार्यपालिका जो है, विधायिका जो है, वो कहीं ना कहीं आपस में इनका तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिसकी वजह से ये वर्चस्व कायम नहीं कर पाते। इसके अलावा यूएनओ और यूरोपियन यूनियन जैसे अलग अलग संगठन भी इनके वर्चस्व के रास्ते में अवरोधक हैं, हमेशा इनके आगे खड़े रहते हैं, इन्हें वर्चस्वता को बढ़ाने से रोकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो अमेरिकी वर्चस्व में रुकावट बनकर पैदा हो रहे हैं। लेकिन हम अमेरिका के वर्चस्व से कैसे बचे, इसके लिए भी कुछ तरीके हैं। जैसे युद्ध करना, अगर हमें अमेरिका के वर्चस्व से बचना है तो हम अमेरिका के साथ या तो युद्ध करें, या तो आत्मसमर्पण कर दें, या नहीं तो बैंड वैगन की नीति को अपनाएं। बैंड वैगन नीति का अर्थ होता है कि दुनिया जिस दिशा में जा रही है हमें भी उसी दिशा में जाना है। इस कहावत है कि जैसी चले बयार तैसो पीठ कीजे, तो हवा का रुख जिस तरफ हो आपको पीठ उस तरफ कर लेना चाहिए, ताकि आप सीधे सा आगे जो है बहुत ही तेजी से बढ़ सको। तो बैंड वैगन की नीति है अमेरिकी वर्चस्व से बचने का एक तरीका। इसके अलावा मित्रता एक ऐसा हम कह सकते हैं एक तरीका है जिससे हम अमेरिकी वर्चस्व से निपट सकते हैं। तो अमेरिका के वर्चस्व में रुकावट और उनके वर्चस्व से बचने के तरीके, ये जो टॉपिक है पांचवा टॉपिक आपका इसमें रखा गया था, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आइए जानते हैं इस लेसन का छठा टॉपिक, अमेरिका भारत संबंध। इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पहले अमेरिका और भारत का संबंध कैसा था। तो अगर हम शीत युद्ध काल के दौरान की बात करें तो अमेरिका का संबंध भारत के साथ ठीक उसी प्रकार से था जैसा कि भारत का संबंध सोवियत यूनियन के साथ था। मतलब कि भारत का संबंध सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों के साथ एक जैसा ही रहा शीत युद्ध काल के दौरान। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर और तटस्थता की नीति को अपनाकर इस शीत युद्ध से अपने आप को अलग रखा गया। इनके संबंध काफी अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद के समय में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, तो उसके बाद इनका संबंध जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। और कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका भारत के साथ संबंध किस प्रकार का है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अमेरिका और भारत के बीच में 65% का आयात निर्यात होता है, अर्थात अपने टेक्नोलॉजी का 65% ये लोग आदान प्रदान करते हैं। बात करें अमेरिकी तकनीकी पार्क की तो लगभग 35% भारतीय अमेरिका के तकनीकी टेक्नोलॉजी पार्क में कार्यरत हैं। इसके अलावा नासा की बात करें तो नासा के लगभग 30% जो साइंटिस्ट हैं वो भारतीय मूल से संबंधित हैं। इसका अर्थ है कि भारत पर कितना ज़्यादा विश्वास है अमेरिका को, या फिर भारतीय साइंटिस्टों पर कितना ज़्यादा विश्वास है, जो इन दोनों के संबंध को और ज़्यादा मजबूत बना रहा है। अगर हम बात करें भारतीय वहाँ के निवासियों की, तो लगभग 3 लाख भारतीय अमेरिका के सिलिकन वैली में आज भी रहते हैं और इन्हें हर प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा पांचवा जो साक्ष्य है वो ये है कि भारत का विश्व के किसी भी देश के साथ जो व्यापार किया जाता है उसमें से सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ 15% का व्यापार है, अर्थात भारत विश्व में जो व्यापार करता है 100% में से 15% वो अमेरिका के साथ व्यापार करता है। तो इससे पता चलता है कि भारत जो है वो अमेरिका पर किस
किस रूप से, हम कह सकते हैं कि उनकी मित्रता किस रूप से है और उनके वस्तुओं पर किस रूप से निर्भर है। तो इस प्रकार से अमेरिका और भारत के संबंधों की बात करें तो पहले के मुकाबले इनके जो संबंध है वो आज के दौर में मजबूत होते जा रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से मजबूत रहेंगे। तो ये आपका लेसन अमेरिकी वर्चस्व हम कह सकते हैं खत्म होता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए जितने भी टॉपिक्स हैं जिसको मैंने डिफाइन किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर